अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक टू माई चैनल। नाज़रीन, हमने पिछले वीडियो में बात की थी मोबाइल नंबर को लेकर के, तो आज भी हम 2023 में फ़ोन नंबर की रिपीटेशन से हमारे साथ क्या होगा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, 2023 टोटल पे 7 पे आता है, और जिन लोगों को पता नहीं है बर्थ चार्ट बनवाने का तरीका, वो दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं। बर्थ चार्ट से हमें ये पता चलता है कि हमारा पर्सनल ईयर क्या है, ये तो बात की बात है, लेकिन अभी मैं एक आम बात कर रही हूँ जो आम लोगों के लिए है, जो समझ जाएं कि दो दफ़ा रिपीट हो रहा है 2023। ठीक है, अब आपने देखा कि 2020 में दो दफ़ा 2 रिपीट हुआ और टोटल पे 4 पे आया, तो देखें कोरोना ने कितना वबाल खड़ा किया, पूरे दुनिया में लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, इससे तो आप डिनाई नहीं करेंगे। तो नंबर्स के नुकसानात भी होते हैं और नंबर्स के फ़ायदे भी होते हैं। तो अब जो जिन लोगों के मोबाइल नंबर में दो दफ़ा 4 आ रहा है या एक दफ़ा 4 आ रहा है और साथ में 2 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, तो उनको फौरन इस नंबर को अवॉइड करना चाहिए। इस नंबर को आप सिर्फ़ और सिर्फ इनकमिंग पे रखें। अगर आप कहते हैं कि मैं नंबर चेंज नहीं कर सकता है, बड़ा पुराना नंबर है, उसको आप इनकमिंग पे रखें और आउटगोइंग के लिए कोई और नंबर आप ले सकते हैं। आगे मेरी वीडियो में मैं बताती चलूँगी, आगे आगे आप लोग इसको जुड़े रहिए इस चैनल से, तो मैं आपको बताऊँगी कि क्या नंबर ठीक है क्या नहीं, और अगर आप लोगों को फ़ौरन पता करना है तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो 2023 7 पे आता है, और जिनके रिपीट नंबर 4 हैं या वो पर्सनालिटी नंबर 4 हैं, किसी भी महीने की 4 तारीख या 13 तारीख या 31 तारीख को वो पैदा हुए हैं, या मतलब इन तारीखों में से वो पैदा हुए हैं, तो उन लोगों के लिए भी दिस नंबर इज़ नॉट रिकमेंडेड। इस नंबर को आपने इनकमिंग पे तो आप छोड़ सकते हैं, बेहतर होगा कि आप बिल्कुल इसको ख़त्म कर दें इस नंबर को, लेकिन आप नहीं कर सकते, इनकमिंग पे रखें, लेकिन आउटगोइंग के लिए कोई और नंबर लीजिए। वो कौन सा नंबर होना चाहिए दिए गए नंबर पे आप मुझसे मालूम कर सकते हैं। तो जिनके घर का नंबर 4 है, जिनके टेलीफोन नंबर 4 है, जिनके ग्रिड में नंबर 4 है, तो उनके लिए ये साल थोड़ा सा स्लो लेके जाएगा, थोड़ा जो है वो स्टबननेस ज़्यादा हो सकती है, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। लोग अचानक आपसे ये कह सकते हैं कि पता नहीं इन्हें क्या हो गया इस साल, पता नहीं ये क्या। लोगों को इस साल आपसे ये शिकायत होगी कि इनकी पर्सनालिटी में कुछ चेंज हो गया है या ये हमसे बदल गए हैं, जबकि वो नहीं बदले। एक्चुअली इस नंबर की वाइब्रेशन 2023 में, इस नंबर की वाइब्रेशन आपको आप में चेंज पैदा कर रही है, तो आप फौरन अपने टेलीफोन नंबर पे ज़ोर डालिए कि आपके साथ, क्योंकि टेलीफोन नंबर हमारे साथ हर वक्त जुड़ा है। हम रात में सोते हैं, लोगों को गुड नाइट, अपने लव्ड वंस को गुड नाइट करके सोते हैं, टेलीफोन नंबर हमारे हाथ में, ये बहुत ज़रूरत की चीज़ बन चुका है आज के दौर में। और जब हम सुबह उठते हैं तो ही फौरन हम टेलीफोन को खोलते हैं और देखते हैं मैसेजेस क्या आए, या मॉर्निंग मैसेज भेजने होते हैं, जो भी कुछ है, या हमारा काम, कुछ लोगों का तो ऑनलाइन काम होता है, तो टेलीफोन नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत बन चुका है आज के दौर में। तो प्लीज़ अपने टेलीफोन नंबर पे ज़ोर दीजिए, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन बर्थ चार्ट बनाने के कुछ चार्जेस होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि दिए गए स्क्रीन पे मेरे अपने चैनल का लिंक चल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन पे भी होगा, आप प्लीज़ वहाँ जा के सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिसे आप सीख भी सकते हैं। सबसे ज़्यादा वज़ाइफ़ मिलेंगे जो कि मैंने खुद आजमाए हैं, मेरे घर वालों ने आजमाए हैं, तो उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मैंने कहा सदका जारिया की नीयत से मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि आपकी भी प्रॉब्लम्स हल हो सकें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, बहुत रहम करने वाला है और सुनने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से नंबर, अगर हमारे हाउस नंबर या हमारे ग्रिड में या हमारे टेलीफोन नंबर में ख़राब हैं, हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, तो वो भी उसका भी मैं आपको बताऊंगी, और जो अच्छे हैं उनके लिए भी बताऊंगी। तो ये नंबर आपके लिए अच्छा नहीं है, अब आपको नंबर कैसे, वो एक एक्सपर्ट ही बता सकता है, वो एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बता सकता है, क्योंकि वो आपका नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको एंजल नंबर देगा। उस नंबर पर
आपका टेलीफोन नंबर टोटल करने पे आना चाहिए। जैसे आप मेरा नंबर टोटल करें तो वो 5 पे आता है और उसका एंड भी 5-5 पे है, तो वो मेरे लिए जो है बेनिफिशियल है, मेरे लिए सपोर्टिव है। तो इस तरह का आप नंबर अपने लिए सेलेक्ट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।